आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करने वाले लिंग का साइज, मास्टरबेशन और डेल्यूजन और ऑब्सेशन, इसके बारे में। एक लड़का मेरे पास में आया 25 साल का। घर में बिना बोले वो घर से निकल गया मेरे पास आने के लिए। यहाँ से करीब करीब 400 किलोमीटर दूर रहता है। घर से वो गायब हो गया। उसको आना था मेरे पास में। उसने कहीं मेरे बारे में सुना। घर के लोग परेशान है, कहाँ गया कहाँ गया। फिर जब उसको ट्रेस किया, मालूम पड़ा मेरे यहाँ पहुँचा है। वो भी उसके पीछे पीछे आ गए। जब वो आ गया मेरे पास में तो उसको पूछा मैंने, बोले मैंने घर पे बताया नहीं, घर से थोड़े पैसे चुराए और यहाँ आपके पास में चले आए। पूछा क्या हो गया क्या, तो बोले मुझे मास्टरबेशन की हैबिट है। मैं कम से कम 2 से 3 बार रोज मास्टरबेशन, मतलब हस्तमैथुन करता हूँ। वो मुझे करना ही पड़ता है, ज़बरदस्ती। इच्छा नहीं है तभी भी बहुत करने की इच्छा होती है। वो लगता है कि ये ठीक नहीं, इतना नहीं करना है। कभी कभी बहुत लाल लिंग हो जाता है और लाल लिंग होने के बाद में कभी कभी जख्म भी जैसी हो जाती है, और तभी भी मैं बहुत घिसता हूँ और मास्टरबेशन करता हूँ। उसको मतलब ये इतना था कि भाई करने की इच्छा ही बार 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 होती है। वो विचार आते हैं और फिर वो कंपलसरी करना ही पड़ता है। इच्छा नहीं होती भी, कभी कभी करना पड़ता है, ऐसा भी उसने बोला। मतलब मास्टरबेशन है उसका कंपल्शन है। और फिर वो बोले कि मुझे इतनी कमजोरी आ चुकी है मास्टरबेशन की वजह से कि अभी मैं खाना भी नहीं खा सकता। मैं मेरे बहुत तो ऐसा मतलब उठना भी है, चलना है, पढ़ाई करना है, इसमें भी दिल नहीं लगता, कॉन्सेंट्रेशन नहीं, कोई काम करने में ताकत नहीं है और मेरी जान निकल रही है। उसको बोला ठीक है, फिर और क्या। बोले मेरा लिंग का साइज जो है बहुत छोटा हो गया। बोला भाई कितना, 1 इंच से कम है कि ज़्यादा है। नहीं, बोले है तो बड़ा। उसने पूरा छोटी जो लिटिल फिंगर है बताया। नहीं, बोले बड़ा है। बोले कम से कम 2 इंच तो है ही है। उसको देखा मैंने, बोला तो नॉर्मल है, इसमें कोई छोटा नहीं। नहीं, बोले वो तो छोटा ही है। बोले उसका इतना पक्का विचार हो गया था कि ये जो है लिंग, ये इसका छोटा हुआ है, मतलब उसका लिंग खुद का छोटा हुआ है और वो अभी आदमी में नहीं है। पक्का विचार, मतलब कोई भी लॉजिक, कोई भी रैशनल थिंकिंग, उसको कुछ भी समझाया तो भी मानने को तैयार नहीं। वो एक ही है कि मेरे लिंग का साइज छोटा है। दूसरा, ये मास्टरबेशन से हुआ है। मास्टरबेशन से मतलब हस्तमैथुन से कमजोरी आ चुकी है। उसको डॉपलर टेस्ट करने के लिए बोला, डॉपलर टेस्ट उसने किया। उसको काउंसिलिंग किया, उसको मेरे काफ़ी सारे वीडियोज जो है यूट्यूब के ऊपर, वो उसको सुनने के लिए बोले, उसको सुनवाए यहाँ बैठे बैठे। हमारे जो साइकोलॉजिस्ट है, साइकोथेरेपिस्ट है, उन्होंने काउंसिलिंग किया, मैंने खुद ने काउंसिलिंग किया। वो कुछ मानने को तैयार नहीं है। उसका पक्का डिल्यूजन है, पक्का विचार है कि मास्टरबेशन जो कर रहा हूँ उसका उसका ऑब्सेशन था, कंपल्शन था। जख्म भी हो रही तो वो कर रहा है मास्टरबेशन। देखो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जख्म भी हो रही थी, वो मास्टरबेशन करने की इच्छा हो रही, मज़ा नहीं आ रहा कभी वो करने की इच्छा हो रही है, और उससे मुझे बोले वीकनेस आ रहा है और उससे ही लिंग का साइज छोटा हुआ है। अब उसके पिताजी उसके पीछे पहुँच गए थे। मतलब भाई इसको तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मास्टरबेशन का प्रॉब्लम है और कुछ गलत फहमियाँ, इसका तो पक्का विचार हो चुका है। ये स्किजोफ्रेनिया लेवल पे चले गए। ऑब्सेशन कंपल्शन है और स्किजोफ्रेनिक सिम्टम्स भी है, साइकोटिक सिम्टम्स है, कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, कुछ भी नहीं। उसको हमने एडमिट करवाया हमारे हॉस्पिटल में। उसको एंटीसाइकोटिक दवाई चालू किया। धीरे 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 उसके साथ में बातचीत कर रहे, काउंसिलिंग कर रहे, और धीरे 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 जब उसको रोज बता रहे, रोज उसके साथ में सीटिंग कर रहे, तो खुद धीरे 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 वो सुधर गया। 15-20 दिन में उसको बहुत फ़ायदा हो गया। जो मैं बातचीत कर रहा हूँ उसको समझ में आ गई कि मैं क्या बातचीत कर रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ। बोले कि ठीक है, अभी मुझे अच्छा लग रहा है, और वो अच्छा होकर निकल गया। मेरे कहने का मतलब ये कि लोगों के दिमाग में इतना पक्का विचार बैठा हुआ है कि लिंग का साइज छोटा है या मास्टरबेशन से मुझे वीकनेस आया हुआ है, और उससे काफ़ी युवा वर्ग जो है परेशान है। उनको एक गलतफहमी है, और फिर वो गलतफहमी में वो उसको बाहर आने को, उसके विचारों से बाहर आने को तैयार ही नहीं। तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि भाई ये वीडियो देखने के बाद में आप जितने ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हो उतने ज़्यादा लोगों को ये युवा वर्ग में शेयर करो, सभी युवा वर्ग में शेयर करो, ताकि उनको ये मालूम होए कि भाई नहीं, मास्टरबेशन ये नॉर्मल है। क्योंकि आप काफ़ी सारे वीडियोज़ देखो, खोलो, आयुर्वेदाचार्य होंगे या बड़े बड़े कुछ लोग होंगे, स्पीकर्स है, जिन्होंने ये बोला है कि मास्टरबेशन गलत है, वीर्य का नाश होना गलत है, ब्रह्मचर्य का जीवन पालन करना चाहिए, ये सब बोलते हैं और लोगों में बीमारियां फैल रही है, लोग बीमार हो रहे हैं। कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं कि नहीं, मैं कमजोर हुआ हूँ, मैंने बहुत गलत काम किया, अपराधीपन की भावना आती है और सुसाइड कर लेते। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि जो युवा वर्ग है वो ये समझ लेगा वीडियो को, ये जान लेगा, पहचान लेगा और अपना काम जो है वो ठीक कर लेगा, अपना जीवन अच्छा तरह से वो जी पाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।